All of you join your hands. Madam, ma'am. Your eyes start chanting Om Kar. Om. सायराम ठीक है। तो सबसे पहले पीछे से शुरू करती हूँ। युवराज आप तैयार हैं बोलने के लिए? आप तैयार हैं? यस मैम। आपका चेहरा दिखाइए पहले, आपका कैमरा से एडजस्ट कीजिए। हाँ ठीक है, अब हाँ बोलना शुरू कीजिए। सायरा मैम, मैं युवराज सिंह रजक कोरोना काल के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ खोया और कुछ पाया के बारे में। कोरोना वायरस को हम COVID-19 भी कहते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या बनकर आया है। इस चक्र से निकलने के लिए हम कई प्रयत्न कर रहे हैं। इन दिनों हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। हमने खेलों के मैदान को खोया है, पर वही हमने घर के अंदर के खेलों को पाया है। हमने अपने दोस्तों के संग वक्त बिताना खोया है, पर वही हमने घर में रहकर अपने परिवार के संग समय और प्यार पाया है। हमने स्कूल जाना खोया है, पर वही हमने घर में हमने स्कूल जाना खोया है पर वही हमने ऑनलाइन पढ़ाई करना पाया है। ये हमने मजदूरों ने अपनी रोजगारी खोई है, पर वही उनके इंसानी फलस्तों के द्वारा उन्होंने अपनी रोजी रोटी पाई है। ये यातायात के साधन को हमने खोया है, पर वही हमने वातावरण को शुद्ध पाया है। हमने सामूहिक जगह जाना खोया है, पर वही हमने सैनिटाइज और मास्क लगाना सीखा है। सायरा मैम, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब विधि गौर या विधि काबरा है क्या? नहीं है। सिद्धार्थ अनिल, सिद्धार्थ अनिल मैम मैंने बताया था। क्या बताया? कैमरा ऑन कीजिए पहले तो। सिद्धार्थ अनिल कैमरा ऑन कीजिए। मैम वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। शिवन्या आपको सुनाना है? चलिए ठीक है, सुनाइए बेटा। सायरा मैम, मेरा नाम शिवन्या मीना है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। कोरोना काल में मैंने क्या खोया क्या पाया एशिया में अब प्रस्तुत करने जा रही। कोरोना यानी COVID-19 बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के कारण शिवन्या, शिवन्या एक मिनट रुकिए। शिवन्या आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप ऐसे जगह बैठे हैं जहां आपकी आवाज साफ आए। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है बेटा। थोड़ा सा घर में एडजस्ट होकर के बैठिए, मैं दोबारा चांस दूंगी आपको। ठीक है बच्चे? सिद्धार्थ अनिल जी कैमरा खुल गया, आपको सुनाना है सिद्धार्थ अनिल। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सुनाया था। स्पीकिंग टेस्ट में सबको दोबारा चांस मिल रहा है। अगर आपको सुनाना है कि नहीं सुनाना इस पर मेरे में बात कर रही हूँ बेटा। आपको सुनाना है इसका वजह दीजिए। आप सुनाना चाहते हैं या नहीं? सिद्धार्थ अनिल, चलिए शिवन ने आप सुना दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? सायरा मैम,
मेरा नाम शिवन्या मीना है, मैं कक्षा तीसरी आ में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने कोरोना काल में मैंने क्या खोया क्या पाया मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोरोना यानी COVID-19 एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा हमने बहुत सी चीजें खोई, जैसे रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद हो गया, मॉल जाना बंद हो गया, पार्क जाना बंद हो गया। और लॉकडाउन से पहले हमारी नई गाड़ी आई थी पर हम लॉकडाउन के कारण उस पे नहीं घूम पाए। लॉकडाउन के कारण सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि हमारे स्कूल बंद हो गए। लॉकडाउन के कारण कई लोगों के काम धंधे भी बंद हो गए और कई लोगों की नौकरियां भी चली गई। कोरोना के संक्रमण के कारण कई लोगों की जान भी चली गई, पर कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं। कोरोना से पहले हमारे माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे, पर कोरोना की वजह से हमें हमारे माता पिता एवं परिवार का समय भी मिला और ऑनलाइन क्लास जैसी नई चीजें भी सीखने को मिली। और लॉकडाउन की वजह से हमने साफ सफाई का महत्व भी समझा। और लॉकडाउन के कारण हवा और पानी शुद्ध होने से प्रदूषण भी कम हो गया। धन्यवाद। बहुत अच्छी। चलिए शिवन्या के बाद शिवम जी आपको सुनाना है क्या? मैंने पहले दिन सुना दिया था, नहीं सुनाना इसलिए। नहीं सुनाना है, ठीक है। शैलेंद्र सिंह भुरिया क्लास में है? नहीं है, जबकि कल लिस्ट डाला था उसके हिसाब से उनको रहना चाहिए था आज क्लास में। शैलेंद्र जाटव नहीं है वो भी। सम्राट नहीं है। सानवी आपको सुनाना है क्या बेटा? नो मैम। ठीक है। ऋषिका सुनाइए। ऋषिका माय नेम इज ऋषिका मीना। कोरोना के माय नेम इज नहीं, दिस इज नॉट योर इंग्लिश क्लास, यू आर सपोज्ड टू स्पीक ओनली इन हिंदी। मेरा नाम है ऋषिका, मैं क्लास थर्ड ए में पढ़ती हूँ। कोरोना के वजह से सब लोग अपनी अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं और तो और अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे और बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है और मॉल और रेलवे स्टेशन दुकानें बंद हो चुकी है और जिसके वजह से बहुत लोग नुकसान हो रहे हैं और बच्चे अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और मैम 2 मिनट कैमरा नहीं बंद करना है बेटा। ऋषिका क्या पाया? अपन जो मोबाइल अपन तो नहीं जानते थे जो अपन लोग सीख चुके हैं और मम्मा मम्मा की मदद करवाते हैं।
और मोबाइल से पढ़ाई करना सीख चुके हैं सायरा मैम। ठीक है, शैलेंद्र सिंह भूरिया, शैलेंद्र सिंह भूरिया यस मैम, कैमरा ऑन कीजिए। बोलिए, कोरोना काल क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर बोलना है आपको, बोलिए। बेटा साफ साफ बोलिए, ये स्पीकिंग टेस्ट है, ये आपके नंबर प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाए जाएंगे। आप बार 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 ये बोलते हैं कि मुझे आता नहीं है, मैंने किया नहीं है, आपसे मैं कुछ चीज पूछ रही हूँ आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपने पहले भी नहीं बोला था, आपको बोलना पड़ेगा बेटा, जैसे आता है वैसे बोलिए, शुरू हो जाइए। वन टू थ्री। आपने, आपको खुद को नहीं पता कि आपने कोरोना काल में क्या खोया और क्या पाया, आप स्कूल में रहे, स्कूल में आ पाए क्या, इस तरह से आपको कुछ बोलना, इतने सारे बच्चे बता रहे हैं, आपको बोलना तो पड़ेगा ना बेटा, बोलिए जल्दी बोलिए, इधर उधर नहीं देखिए। शैलेंद्र, शैलेंद्र जी जितना बोलना है उतना बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आपने क्या खोया और क्या पाया, इस विषय पर बोलना है बेटा, आपको इतना पता होना चाहिए, बोलिए। आप अभी तक सुन नहीं रहे हैं क्या, बच्चे क्या बोल रहे हैं आप? एक, आपको मैं 5 मिनट का समय और देती हूँ, एक दो बच्चों का और सुन लीजिए, उसके बाद बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? पीहू, आपको बोलना है क्या? पीहू, पायल, पायल आई नहीं, पायल मैम, आपको अगर दूसरा मौका मिलता है ना तो आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, आपको और अच्छे से तैयारी करके आनी चाहिए। जो बच्चे नो मैम बोल रहे हैं ना, गलत है। अगर आपको दूसरा मौका मिला, जैसे शिवन्या को देखिए, दूसरा मौका मिला तो उन्होंने और अच्छे से तैयारी की, उनके नंबर और बढ़ गए पहले से। तो आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए, अगर आपको दूसरा मौका दिया गया है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए पायल जी बोलिए। मेरा नाम है पायल सैनी, मैं आज मैं पढ़ती हूँ 3rd में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोरोना काल के बारे में। आपने कोरोना काल में क्या खोया और क्या पाया, इस विषय पर बोलना है पायल जी। यस मैम, कैमरा ऑन कर लीजिए। बोलिए, बोलो बेटा। कोरोना काल के बारे में बताने वाले। कैमरा ऑन कर लीजिए पहले पायल। बताना चाहिए बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए। पायल, आपको बोलना है कि नहीं बोलना है? घर बैठे मम्मी की हेल्प की है। थोड़ी देर में सोच करके बोलिएगा। यस मैम। मानसी, यस मैम, आपको बोलना है? यस मैम। ठीक है, चलिए बोलिए, वेरी गुड। सायरा मैम, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर मैं मानसी नागदेवे
अपने विचार रख रही हूँ। मेरे जीवन काल के इन 7 वर्षों में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से इंसान इंसान से मिलने को राजी नहीं है एवं परिवार के हर सदस्य की जिंदगी कितनी अनमोल है। एक वायरस ने सारे लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया है। इन दिनों मुझे परिवार जनों के साथ पूरा समय रहने का मौका एवं दादा दादी मम्मी पापा का अनमोल प्यार उपहार स्वरूप मिला। इस वजह से मुझे अच्छी अच्छी बातें चित्रकला नृत्य एवं कई खेल सीखने को मिले। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से प्रकृति जैसे खिल सी गई है। नदियां तालाब झरने जो कि कारखानों के जहरीले पानी से मर चुके थे उनको भी जीवन दान मिल गया है। कारखानों एवं वाहनों के प्रदूषण से वातावरण अपने आप मुक्त हो गया है। इंसानों के कैद हो जाने से वन्य जीव एवं पक्षियां आजाद होकर घूमने लगे हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन में भूखे प्यासे मजदूरों की हालत समाचार में देखकर मेरा मन विचलित हो जाता एवं मैं मन ही मन अक्सर उदास हो जाती थी। मजदूरों किसानों की स्थिति अत्यधिक बदहाल हो चुकी है। लोगों की नौकरी छूट जाने से खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम अपने स्कूल और सहपाठियों से दूर हो गए हैं। पर अच्छी बात यह रही कि हम टेक्नोलॉजी के करीब आ गए हैं। मुझे उम्मीद है एवं भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा मिले और सबके जीवन में खुशहाली का पहले जैसे खुशहाली का नया सवेरा हो। धन्यवाद। मानसी ने बहुत अच्छा। माधव जी एब्सेंट है। माधव जी के बाद फिर कुशाग्र माज एब्सेंट है। कुशाग्र माधव ज्वाइन कर गए। माधव शर्मा सहरा माधव शर्मा माधव शर्मा यस मैम कैमरा ऑन कीजिए। कोरोना काल क्या खोया क्या पाया इस विषय पर बोलिए। स्पीकिंग टेस्ट है आज। ओके मैम। कोरोना में जब भी अरे में इंग्लिश में नहीं बोलना बेटा। एक तो आप अपने कैमरे को सीधे रखिए, हिलिए डुलिए नहीं। आप बहुत हिलडुल रहे हैं। अब बोलिए। आप पिन है, आप ही आप दिख रहे हैं क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। मेरा नाम शर्मा है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने कोरोना काल में स्कूल खोया। मैंने अपने घर के साथ रहना सीखा। मैं जब भी बाहर जाता था तो मास्क लगा के जाता था और 6 कदम की दूरी बनाता था। और घर में सबकी मदद था। धन्यवाद। बस इतना ही बोलना है आपको।
ठीक है। मैंने पहले भी बोल दिया था सबको, दोबारा बोलना, स्पीकिंग टेस्ट है ना, ये टेस्ट है। आपने पहले भी बहुत अच्छा नहीं बोला था, जब पहले अच्छा नहीं बोला था आपको दूसरा मौका मिला है, तो सारे बच्चों को मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। जब क्लियर लिखा है स्पीकिंग टेस्ट, और मैंने पहले भी क्लास में बताया था ना कि स्पीकिंग टेस्ट होगा, बताया था कि नहीं? फिर आपको अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं तो आपको बोलना पड़ेगा अच्छे से। चलिए माधव के बाद कुशाग्र, कुशाग्र आपको बोलना है क्या? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सायरा मैम, मेरा नाम कुशाग्र है, मैं कोरोना काल के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। कोरोना काल को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना काल में हमने क्या खोया? कोरोना काल में हमने हमारे मामा के घर जाना खोया, हमने हमारे दोस्तों के साथ मिलना खोया, हमने हमारे स्कूल को बहुत मिस किया, मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत मिस किया। क्या पाया मैंने? मिस किया इंग्लिश शब्द है। मैंने उसको ठीक है मैम। क्या पाया मैंने? घर बैठे परिवार का प्यार पाया। मैंने घर बैठे लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखा। और बस इतना ही तैयारी है? यस। इतने सुनाना ठीक है। कबीर जी आपको सुनाना है? कबीर? यस मैम। आपको सुनाना है? यस। ठीक है बोलिए। आवाज नहीं आ रही है कविश। मेरा नाम कविश लड्डा है, मैं कक्षा तीसरी अ में पढ़ता हूँ। मैं कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोरोना हमारे देश में फैल रहा है, हमें एक मीटर की दूरी बनाए रखनी है। हमने क्या खोया क्या पाया? हमने अब परिवार के साथ रहना सीखा, हमने परिवार के साथ खेलना सीखा। मैंने पापा के साथ कैरम, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम सीखा। मैंने दो पहिए की साइकिल सीखी। मैंने अपने दोस्तों से मित्र से मिलना खोया। मैंने अपने अध्यापक से भी मिलना खोया। मैंने नाना नानी के घर जाना खोया। मैंने बुआ से मिलना खोया। धन्यवाद। चलिए ठीक है। कविश की बात फिर गर्वित जी आपको सुनाना है। मैम यस यस मैम। मैम मेरा नाम गर्वित जैन है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको कोरोना काल के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, क्या खोया क्या पाया। हमने स्कूल खोया लेकिन हम ऑनलाइन क्लास हमने ऑन घर में ही बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास पाई। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मास्क और सैनिटाइजर लेके जाता हूँ। और मैंने अपने दोस्तों को
खोया लेकिन घर में अपने भाई बहनों से प्यार किया पाया और मुझे सबका साथ मिला घर पे। मैम मुझे इतना ही आ रहा था। ठीक है चलिए इलेश जी आपको सुनाना है। मैम नो नो ओके दिव्यांश दिव्यांश आपको नहीं सुनाना है। नो मैम ठीक है देवांशी यस मैम आपको सुनाना है। यस मैम साइरा मैम मेरा नाम देवांशी अस्त्री है। मैं आपको कोरोना काल में क्या क्लास में कुशाग्र जी ने और गर्वित जी ने मुझे बोला था कि उनको सुनाना है लेकिन उन्होंने उतना अच्छा नहीं सुनाया जितना उन्होंने मुझे क्लास में बोला था कि मैं सुनाऊंगा। ना गर्वित ने सुनाया ना कुशाग्र ने सुनाया और ये इन्होंने अपने नाम दिया था कि मुझे सुनाना है। हाँ सुनाइए बेटा। साइरा मैम मेरा नाम देवांशी आशी है। मैं आपको कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया के ऊपर कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। कोरोना काल को एक COVID-19 वाली बीमारी को COVID-19 वाली बीमारी में जाना जाता है। इसकी वजह से हमने बहुत कुछ खोया। हमने अपनी नानी के यहाँ जाना खोया अपने भाई बहनों से मिलना खोया और हमने बाहर जाना खोया और घर में माता पिता एवं 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 दादी दादा दादी दादा का प्यार पाया और उनसे कुछ सीखा भी और हमने मास्क लगाना सीखा और अपने हाथों को सैनिटाइज करना सीखा। साइरम थैंक यू। चलिए ठीक है दिशा आपको सुनाना है। यस मैम बोलिए। मैं दिशा प्रभापति माल्या सदन की ओर से आज आप सभी के सामने दिए गए विषय कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया पर अपने विचार रखना चाहूंगी। कोरोना काल में जहाँ हमने बहुत कुछ खोया है वहीं बहुत कुछ पाया भी। जहाँ हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वहीं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं वहीं हमारी वजह से हमारा घर बैठे पर्यावरण शुद्ध हो गया है। माता पिता एवं बच्चों को समय बिताने का मौका मिला। धन्यवाद। शैलेंद्र जी यस मैम अब आप बोल पाएंगे। यस मैम चलिए बोलिए। मैं 18 में पढ़ता हूँ। मैं कोरोना काल के बारे में बोल रहा हूँ। हमने कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया सही रखिए। बोलिए जल्दी। हमने मम्मी की मदद करना सीखा पापा के साथ के। शैलेंद्र जोर से बोलिए बेटा जोर से। मैंने मम्मी की हेल्प करना सीखा पापा के साथ खेलता हूँ और भैया के लिए जो मंगवाता लाता हूँ पानी। मम्मी मदद करता हूँ बर्तन रखवाने में। सारा ठीक है चलिए अब ऊपर से आ जाते हैं। अक्षत जी
नहीं है। अनंत आपको बोलना है? यस मैम। आप बोलना चाहेंगे अनंत? कहाँ है अनंत? हाँ बोलिए। शायरा मैम मैं पढ़ना आप मैं पढ़ता हूँ आज मैं कोरोना शब्द सुनाने जा रहा हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही है अनंत। कोरोना एक भयंकर बीमारी है से कोविड 19 से मजदूरों को व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना से पहले हमारे मम्मी पापा हम पे ध्यान नहीं देते थे, अब इस कोरोना में हमारे मम्मी पापा हमारे साथ खेलते हैं और हमने स्कूल खोया है लेकिन हमने ऑनलाइन क्लास पाई है। लैपटॉप चलाना सीखा है, मम्मी की मदद करना सीखा है। शाया मैम। चलिए, कैमरा क्यों बंद कर दिया आपने? कैमरा तो ऑन कर लीजिए। लेफ्ट भी कर गए हैं। कौन सुनाना? हाँ पायल सुनाइए, पायल सुनाइए। हाँ मेरा नाम है पायल सैनी, मैं पढ़ती कक्षा तीसरी में। आज मैं कोरोना काल के बारे में बताना चाहती हूँ, क्या खोया क्या पाया। हमने स्कूल को भी खोया पर हम घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और हमने घर में बहुत चीजें सीखी है, ऐसे खाना बनाना, गेम्स खेलना और दीदी भैया से पढ़ाई लिखना सीखा है हमने। और मैं कई बार बाहर जाती हूँ तब मास्क लगा के जाती हूँ और सैनिटाइजर और 5 मीटर की दूरी बना के रखती हूँ। और चलिए पायल जी का भी हो गया। अंशमीना, अंशमीना आपको बोलना है? यस मैम। मेरा नाम है अंशमीना, तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। कोरोना कोविड 19 के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी चीन देश से फैली है और ये सब सारी दुनिया में फैल चुकी है। क्या खोया क्या पाया, हमने स्कूल जाना खोया और रिश्तेदारों से मिलना खोया, पढ़ाई करना खोया, टीचर से मिलना खोया और स्कूल जाना खोया और मॉल जाना खोया। क्या पाया, हमने घर में परिवार के साथ मिलना जुलना सीखा और अच्छा अच्छा खाना खाना सीखा, ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखा, लिखना सीखा, साइकिल चलाना सीखा। साया मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए अब अंश के बाद अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, मैम अनिरुद्ध की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैम क्लास किसने ज्वाइन कर रखा है? बस मैम सुन रहे हैं, हमारी भी तबीयत खराब है। तो मैम आप ना इसको लर्निंग वीडियोस दिखा दिया कीजिए, ऐसे क्लास ज्वाइन नहीं करना बच्चा। क्लास अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे को आराम करने दीजिए प्लीज, ठीक है? देखिए तबीयत ज्यादा जरूरी है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे को आराम करने दीजिए। आपके क्लास ग्रुप पर लर्निंग वीडियोस पहुंच जाते हैं तो आप लर्निंग वीडियोस दिखा दीजिए, बच्चों को ऐसे परेशान नहीं कीजिए। नहीं मैम वो तो रेस्ट कर रहा है तो सुन के जो वर्क मिलता है फिर वो तैयार करवा देती हूँ।
मैम वो यही तो कह रही हूँ, आपके पास लर्निंग वीडियोस पहुंच जाते हैं तो आप लर्निंग वीडियोस करवा दिया कीजिए, लर्निंग वीडियोस को देख करके करवा दिया कीजिए जी मैम। हर रोज आपके पास लर्निंग वीडियोस पहुंच जाते हैं। हाँ, वो मैं बच्चे देख नहीं पाती हूँ वो किस में आते हैं। क्लास ग्रुप में आते हैं मैम, क्लास ग्रुप में आप देखिएगा हर टीचर भेजता है, डेट वाइज आपके पास लर्निंग वीडियोस पहुंच जाते हैं जी मैम। ठीक है, क्योंकि अभी स्पीकिंग टेस्ट चल रहा है, बच्चा क्लास में नहीं है, उसकी अटेंडेंस लग रही है मैम। कल सुना सकते हैं मैम, कल से छुट्टियां लग रही हैं अब। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके। अर्जुन यस मैम बोलिए, आपको सुनाना है। यस मैम बोलिए बेटा। मैं अर्जुन पाठ करे कोरोना काल के ऊपर कुछ अपने विचार बोलना चाहता हूँ, अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमने कोरोना काल में बहुत सारी समस्या का सामना किया है, ये भी बहुत बड़ी महामारी है। इससे हमें बचने के लिए हर एक घंटे के बाद अपने हाथ को पानी से और साबुन से 20 सेकेंड के लिए धोना चाहिए, और जब बाहर जाना हो कोई जरूरी काम के लिए ही जाना चाहिए, और बाहर में जब हम रहे तब लोगों से 6 गज की दूरी भी बनानी चाहिए, जैसे कि हमने कोरोना में बहुत कुछ खोया और पाया भी है। जैसे कि हमने स्कूल जाना खोया है, वैसे ही हम घर में ऑनलाइन मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, और हम वैसे अंदर क्रिकेट बाहर क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं, वैसे ही हम घर के अंदर वाले खेल सीख रहे हैं। हम घर में हम अपने दादा दादी के साथ मिलने नहीं जा पा रहे हैं, वैसे ही हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। सायरा मैम। ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया आपने मेरे बेटे। चलिए अर्पित जी, आपको सुनाना है। यस मैम। सायरा मैम, मेरा नाम अर्पित शिवरे है, मैं कक्षा आ में पढ़ता हूँ। कोरोना काल में हमने क्या खोया क्या पाया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो कोरोना की महामारी में हमारा जीवन बदल दिया है, हमें साफ सफाई से रहना सिखाया है हमें। तब हम कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाना चाहिए, और हमें बार बार हाथ धोना चाहिए। हम खेलें और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सायरा मैम। चलिए अर्पित के बाद अथर वर्मा, आपको बोलना है। यस मैम बोलिए। ओम जी सायरा, मेरा नाम अथर वर्मा है, मैं कक्षा तीसरी आ का छात्र हूँ। मैं आपको एक कोरोना काल पे हमने क्या खोया क्या पाया इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ।
कोरोना एक भयंकर बीमारी है, केवल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रही है। कोरोना के चलते हमने क्या खोया क्या पाया, कोरोना के चलते हमने विद्यालय नहीं जा पा रहे, लेकिन हम इस समस्या का हल ऑनलाइन क्लास से निकाला। नई टेक्नोलॉजी नई उमंग से हम पढ़ रहे हैं, हम अपने रिश्तेदार मित्रगण से भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। हमारे देश में कितने प्रदूषण हुआ करते थे, वो भी कम हो गए हैं, जैसे जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जो हद तक कम हो गए हैं, जो हमारे लिए हर्ष की बात है। हमारे देश की गंगा नदी भी स्वच्छ हो गई है, एक हमारे लिए एक दुख की बात भी है। हमारे देश के छोटे व्यापारी मजदूर थे, उनको उनके रोजगार पर असर पड़ा होगा, जिसके कारण उनको अपने अपने अपना घर चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि घर का राशन लाना, घर का किराया देना, बच्चों की फीस भरना। और कुछ लोगों ने अपने सपनों को खोया, कुछ लोगों ने अपनों को खोया। खैर कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया भी है, हमने कोरोना के साथ चलना सीख लिया है, क्योंकि कहते हैं ना लहरों से दर्शनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद मैम। वेरी गुड बट एक्सीलेंट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कितना अच्छा सुनाया इन्होंने। अब आयुषी आपको सुनाना है बेटा? नो मैम। ठीक है, देवादित्य आपको सुनाना है? नो मैम। देवादित्य ओके ठीक है, फिर मैं आप लोगों के नंबर पिछले उसी के बेसिस पे दे दूंगी, ठीक है बेटा? चलिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम, सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से रहिएगा, बाहर की चीजें नहीं खाइए। Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali!